आपका नाम? महेंद्र दुगड़। और आप कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान पार्क। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में जो हो रहा है उसके हिसाब से किसका कौन सा पार्टी का आने का सबसे ज्यादा चांसेस है? पहली बात तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था और हम किसी पार्टी को फेवर नहीं करते हैं। ये पेंडेमिक के टाइम में 5 स्टेट में चुनाव डिक्लेयर करने से हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि पेंडेमिक चला गया और सारी यहाँ हॉस्पिटल नहीं दे सकते, ऑक्सीजन दवाई नहीं दे सकते और इनको चुनाव की चाहिए। ये देश हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है जो इन लोगों को वोट देती है। ऐसे लोगों को तो क्या करना चाहिए, सोचना ही बोलने का नहीं, अभी अगर इसमें बदलाव चाहिए तो इसमें वर्चुअल मीटिंग जो करती है वो करना चाहिए। लोगों के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है अभी तो ये जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि एक तरफ बोलते हैं हम लोग कि डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ, किंतु वहाँ पे देखते हैं दुनिया को, हम लोग टीवी में देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, नेता लोग को देखते हैं, ऐसे हजूम की तरह वहाँ पे खड़े हैं। तो हमको तो डर अपने आप निकल गया उनको देख के कि अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांत हो गया है। किंतु सामने देखो ना, 2-1 महीने के अंदर क्या पोजिशन हुआ है, क्या स्थिति हुई है, सबको वापस एकदम परेशानी में डाल दिया। हर परिवार परेशानी में है, अपने प्रेमी लोगों को देख के हमको रोना आता है, देख के कितने हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, दौड़ के हॉस्पिटलों में घूमते जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये जानबूझ किया जा रहा है, सब प्रतीक हो रहा है, जानबूझ किया जा रहा है अपनी एक लालसा के लिए, कि राजनीति की लालसा हमारी है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमको भी जीवन चाहिए, हमारे हमको नेता बहुत प्रिय हैं, तो ऐसे नहीं चाहिए। ये सही मायने में ये सही तरीका नहीं था राजनीति लोगों का। हालांकि हमारा किसी से द्वेष नहीं है, कि तो जो कर रहे हैं काम हमारे हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से या कोई भी हिसाब से उचित नहीं है, ये हमारा कहना है। आपका पर्सनली किसी पार्टी के लिए उतना है नहीं, सबका अपना अपना होता है, किंतु बोलना जायज नहीं कि दूसरे सर्वे कर रहे हैं क्या कि कौन सा पार्टी को कितना परसेंट मिल रहा है, ये सर्वे करने वाला राइट है ना, सर्वे कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा अच्छा, तो सर्वे का तो ऐसा है, हम तो चाहेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बस दैट्स ऑल। नहीं, जो स्थितियाँ आगे स्थितियाँ बिगड़ेगी, स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, कि कोई भी पार्टी आएगी ना तो फिर वो वैमनस्य आपस में बढ़ेगा। जो वैमनस्य स्थितियाँ जो हो गई है हमारे, हम एक दूसरे के लिए कल प्रेम करते थे, आज उसके लिए हम लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो स्थितियाँ बदल रही ना, आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं हम। और हालांकि राजनीति लोगों से कोई लेना देना नहीं, प्रेम आपस के लोगों से जो कम हो रहा है, ये जो तरीका जो होता है कम ही हो रहा है ना। चुनाव के बाद में हिंसा बढ़ेगी, हमको प्रतीक हो रहा है ऐसा, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि जो स्थितियां देख रहे हैं तो हिंसा बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। तो ये कोई पार्टी भी है, सब पार्टियां ठीक है, कोई किसी से हमारा ऐसा नहीं है ना, तो पार्टी के लिए नहीं, हम लोग पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, अच्छा हो, भला हो, देश का, लोगों का कल्याण हो। पर ये फ्री, एक और बहुत बोलना चाहती है, जो हम लोग फ्री में बांटने की जो स्थितियां बनाती है ना, ये लोगों की कर्म शक्ति को कमजोर कर रही है। उन सबको फ्री में दे दो, 2 रुपया किलो, 5 रुपया किलो से क्या, लोगों की काम की क्षमता कम हो जा रही है, काम नहीं करना चाह रहे लोग। आप तेल का दाम बढ़ा के वो पैसा से आप ये लोग को अन्न दे रहे हो, फिर टैक्स इंडस्ट्रियल पे और पे आ रहा है, तो हम लोग भी अपना दाम बढ़ाएंगे प्रोडक्ट का, तो गरीब लोग तो हम लोग से ही माल खरीदते हैं, तो उनको उधर महंगा खरीदना पड़ता है भाई, इधर उनको चावल फ्री मिला, उधर साबुन महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाला बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। इधर बोल रहे हैं कि हम लोग को मैंने वर्ल्ड का मतलब लीड करना है, लोगों के अंदर जागरूकता लाओ, काम करो, मजबूती से काम करो, ये होना चाहिए सही तरीका। उनके लिए काम के लिए अग्रसित करो कि तुम ये, उनको वर्कशिप चाहिए, जो बोलते हैं जॉब की कमी आ रही है, वो अगर सच्ची माने वो कमी है, किंतु फ्री में देने वाला तरीका तो देखो देश के लिए पतन में डालने वाला ही है, अच्छा नहीं है ये। थैंक यू।